धनतेरस के साथ ही शनिवार से दीपोत्सव का 5 दिवसीय पर्व आरंभ हो गया है और बाजार ग्राहकों के लिए सज गए हैं। एमपी में सोने चांदी से लेकर ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार में रौनक छाई हुई है। ग्राहकों को देख व्यापारी उत्साहित हैं और इस बार धनतेरस के अवसर पर शनिवार को बेहतर कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल पिछले 2 वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते पाबंदियों के बीच बाजार की रौनक गुम हो गई थी, लेकिन अब संक्रमण का डर खत्म हो गया और पाबंदियां हटने से बाजार गुलजार हुए हैं। बढ़ती महंगाई के बीच सोने चांदी में सबसे अधिक कारोबार चमका है, जबकि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं और गृहस्थी के अन्य आधुनिक सामान को लेकर भी बाजार में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है, जिससे करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद है। जहां सोना चांदी और अन्य सामान में ग्राहकी बनी हुई है, वहीं बर्तन बाजार भी गुलजार है। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी को लेकर जो है जहां शुभ माना जाता है, वहीं इसको लेकर बर्तन व्यापारी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद में है। दीपावली धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलती है और ऐसे में सोने चांदी, इलेक्ट्रिक्स, ऑटोमोबाइल के साथ मिष्ठान बाजार भी पूरे शबाब पर है। दीप उत्सव को मिठाई के बगैर अधूरी मानी जाती है और ऐसे में जहां बाजार सोने चांदी और अन्य संगठनों से गुलजार है, वहीं मिठाइयों की दुकानें भी सजी हुई है, जहां पर अच्छी ग्राहकी देखने को मिल रही है। शनिवार को धनतेरस से आरंभ होने वाले दीप उत्सव के पर्व को लेकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवक सभी उत्साहित हैं।